आपके शरीर में जो भी न्यूट्रिशन का जरूरत होता है, जैसे कि प्रोटीन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, यानी कि जो भी माइक्रो न्यूट्रिशन या मिनरल्स का जरूरत होता है, उन सभी में जो विटामिन होता है वो सबसे बेहतरीन या सबसे बेस्ट माना गया है। क्योंकि ये जो विटामिन होता है यही मेनली आपके शरीर में जो मेटाबॉलिज्म होता है उसको कंट्रोल करता है, ठीक तरह से आपका जो बॉडी है उसे फंक्शन करने के लिए जाना जाता है। और अगर किसी भी तरह से आपके शरीर में विटामिन का डेफिशिएंसी हो जाता है तो बहुत तरह के लक्षण है, बहुत तरह का दिक्कतों का आपको सामना हो सकता है। तो सवाल यह आता है विटामिन एक्चुअली क्या होता है, और ये जो विटामिन D3 होता है इसके साथ विटामिन डी का क्या रिलेशन होता है, यानी कि इसके बीच में क्या डिफरेंस होता है, और साथ ही साथ विटामिन D3 का लक्षण क्या होता है, और अगर विटामिन D3 का कमी आपके शरीर में हो जाता है तो आप इसे कैसे पता लगा सकते हो, ये सब कुछ आपके साथ में साइंटिफिक वे में एक्सप्लेन करूँगा। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा ध्यान से एंड तक देखिएगा, आपको सब कुछ अच्छे तरह से समझ में आ जाएगा। तो प्लीज़ आप वीडियो में पूरा बने रहिए। तो बेसिकली ये जो विटामिन होता है ये एक वन टाइप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है जो आपके शरीर में मेटाबॉलिज्म को ठीक तरह से कंट्रोल करने के लिए ज़रूरत होता है, यानी कि मेनली आपके शरीर में जो प्रॉपर फंक्शन होता है उसको ठीक तरह से करने के लिए विटामिन का ज़रूरत होता है। और विटामिन 2 टाइप्स ऑफ होता है, 1 टाइप्स ऑफ फैट सोल्यूबल, अनदर टाइप्स ऑफ वाटर सोल्यूबल। जो फैट सोल्यूबल होता है वो होता है विटामिन A, D, E, K, और जो वाटर सोल्यूबल होता है वो होता है विटामिन सी, विटामिन B12 एंड विटामिन 6, और इन सभी में आता है विटामिन डी। यानी कि आज के वीडियो में आपको जो डिटेल में बताने जा रहा हूँ वो होता है विटामिन डी के बारे में। और ये जो विटामिन डी होता है ये भी 2 टाइप्स होता है, 1 टाइप्स ऑफ विटामिन D2 एंड अनदर टाइप्स ऑफ विटामिन D3। और ये जो दोनों विटामिन D2 या D3 होता है ये सब फैट सोल्यूबल होता है। तो आप इसे अच्छे तरीके से समझ लीजिए, उसके बाद ही मैं आपके साथ डिटेल में शेयर करूंगा सब कुछ। तो आई होप आपको पता चल गया होगा ये जो विटामिन D3 होता है ये विटामिन डी का एक पार्ट होता है, यानी कि 2 टाइप्स ऑफ पार्ट होता है मेनली, विटामिन D2 एंड विटामिन D3। और ये जो विटामिन D3 होता है इसके बारे में मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। आपके शरीर में जो कैल्शियम, मैग्नीशियम और फॉस्फोरस की ज़रूरत होता है ये सब कुछ आपके शरीर में ठीक तरह से एब्जॉर्ब करने के लिए विटामिन D3 का ज़रूरत पड़ता है। अगर आपके शरीर में विटामिन D3 का कमी होता है, जितना मर्जी चाहे कैल्शियम, मैग्नीशियम या फॉस्फोरस का सप्लीमेंट या डायरेक्ट आप इसको कंज्यूम कर लो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि ये जो विटामिन D3 होता है ये मेनली आपके शरीर में जो कैल्शियम, मैग्नीशियम और जो फॉस्फोरस होता है उसका जो एब्जॉर्प्शन होता है उसको बढ़ाता है, और आपके शरीर में जो बोन्स होता है उसमें स्टोर करने के लिए अच्छे तरह से जाना जाता है विटामिन D3 को। अगर किसी भी कारण से विटामिन D3 का डिफिशियंसी आपके शरीर में हो जाता है तो ये जो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन होता है या मैग्नीशियम या फॉस्फोरस का ये बहुत ही कम हो जाता है। इससे आपके शरीर में कैल्शियम का डिफिशियंसी होता है, मैग्नीशियम का डिफिशियंसी होता है, साथ ही साथ फॉस्फोरस की भी डिफिशियंसी देखा जाता है। यानी कि विटामिन D3 मेनली जाना जाता है कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस को एब्जॉर्ब करने के लिए। और अगर आपके शरीर में विटामिन D3 का कमी हो जाता है, यानी कि विटामिन D3 का जो सिम्टम्स होता है वो होता है मसल पेन। अगर आपके शरीर में मसल पेन होता है, अगर आपके हर वक्त मसल में पेन रहता है, तो आप पता लगा सकते हो कि हाँ विटामिन D3 का आपको डेफिशिएंसी हो चुका है। दूसरी तरफ अगर आपको जॉइंट पेन होता है, यानी कि आपका जॉइंट में पेन रहता है, अगर आपको वॉकिंग में या रनिंग में बहुत ही दिक्कत होता है, तो भी आप पता लगा सकते हो कि विटामिन D3 का डेफिशिएंसी आपको हो चुका है। अगर आपके शरीर में ठीक तरह से कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, यानी कि अगर आपका बोन्स का ग्रोथ अगर ठीक तरह से नहीं होता है, और अगर आपका ग्रोथ जो होता है वो अगर ठीक तरह से नहीं होता है, तो भी आप पता लगा सकते हो कि आपका विटामिन D3 का जो डेफिशिएंसी हो चुका है। और वही अगर छोटे बच्चों में देखा जाए तो उसका जो टीथ होता है वो ठीक तरह से नहीं ग्रो हो पाता है, और टीथ का जो टाइमिंग होता है आने का वो भी ठीक तरह से नहीं होता है। और ये सब कुछ होता है मेनली कैल्शियम के डेफिशिएंसी से, क्योंकि विटामिन D3 और कैल्शियम एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। इसके लिए ही विटामिन D3 का अगर डेफिशिएंसी हो जाता है तो नेचुरल तरीके से ही कैल्शियम का डेफिशिएंसी हो जाता है। क्योंकि अगर विटामिन D3 का डेफिशिएंसी हो जाता है आपके शरीर में तो कैल्शियम का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो भी घट जाता है, और इस वजह से आपके शरीर में कैल्शियम का डेफिशिएंसी हो जाता है। और ये जो विटामिन डी होता है ये मेनली बनता है सनलाइट से, यानी कि आपके शरीर में जो सनलाइट पड़ता है वो अब्जॉर्ब कर पाता है आपका स्किन, और उसके बाद आपके शरीर में जो विटामिन डी वो बनता है। और ये विटामिन डी का अनदर पार्ट होता है विटामिन D3। और जो पर्सन या जो मेल फीमेल ज़्यादातर इंडोर एक्टिविटीज़ ज़्यादा करता है, आउटडोर एक्टिविटी कम करता है, उसको ये ज़्यादा विटामिन डी का डेफिशिएंसी होता है, यानी कि विटामिन D3 का। और रिसेंटली एक स्टडी में ये भी पता चला है
जो फीमेल होता है उसमें विटामिन D3 का डेफिशिएंसी ज़्यादा पाया जाता है कंपेयर टू मेल, क्योंकि जो फीमेल होता है वो ज़्यादातर घर में ही रहता है यानी कि इंडोर एक्टिविटीज़ ज़्यादा करता है, वो बाहर कम जाता है, इसीलिए फीमेल बॉडी में विटामिन D3 का डेफिशिएंसी ज़्यादा होता है। और भी दूसरा कारण से विटामिन D का डेफिशिएंसी हो सकता है, जैसे कि अगर आप सनस्क्रीन या आपका जो बॉडी है उसका अच्छी तरह से कवर कर लेते हो, अगर आप अम्ब्रेला को यूज़ करते हो, यानी कि मेन एक ही चीज़ है, अगर आपके शरीर में जो सनलाइट होता है वो डायरेक्ट नहीं पड़ता है तो आपके शरीर में जो स्किन होता है वो ठीक तरह से विटामिन D को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है और विटामिन D नहीं बन पाता है, और उन कंडीशन में विटामिन D3 या विटामिन D का डेफिशिएंसी हो जाता है। और इससे बचने के लिए आपको एक ही चीज़ करना होगा, ज़्यादातर आउटडोर एक्टिविटी करना होगा और प्रॉपर सनलाइट को आपको एब्जॉर्ब करना होगा। जिस फूड में विटामिन D पाया जाता है उस फूड को आप खा सकते हो, जैसे कि मिल्क, एग्स और भी बहुत तरह के जो फूड होता है इसमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में विटामिन D पाया जाता है। ऑलरेडी मैं विटामिन D के ऊपर डिटेल में वीडियो बना चुका हूँ कि किसको ज़्यादा मात्रा में विटामिन D का डेफिशिएंसी होता है और अगर हो जाता है तो आप उसे कैसे पूरा कर सकते हो, क्योंकि विटामिन D और विटामिन D3 लगभग एक ही चीज़ होता है, यानी कि विटामिन D का ही एक पार्ट होता है विटामिन D3। इसीलिए विटामिन D के डेफिशिएंसी के लिए जो फूड आपको खाना चाहिए विटामिन D3 के लिए भी सेम फूड है, इसीलिए आप वो वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। आपको मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दे दूंगा, वो वीडियो में मैंने सब कुछ डिटेल में एक्सप्लेन किया हूँ, तो उस वीडियो का आप जरूर एक बार चेकआउट कर लीजिएगा, आपको अच्छे तरह से सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो चुका होगा कि विटामिन D3 क्या है, विटामिन D क्या है, विटामिन D2 क्या है और इसका काम क्या होता है हमारे शरीर में। तो अगर मेरे छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, वीडियो कर दीजिए लाइक। अब सब यार वीडियो देखते हो लेकिन चैनल को ही नहीं सब्सक्राइब करते हो, प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक। अगर आपको ये वीडियो और भी ज़्यादा पसंद आए तो आपका फ्रेंड के साथ भी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और अभी तक इस वीडियो में इतना ही, फिर आपके साथ दूसरे वीडियो में मुलाकात होगा ऐसे इंटरेस्टिंग नॉलेजेबल हेल्थ टिप्स या किसी भी बॉडी पार्ट से रिलेटेड में वीडियो हर दिन आपके लिए ही ले आता हूँ। तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर दीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो का हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो अभी तक इस वीडियो में इतना ही, ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपके साथ फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।